एक बहुत ही दुखद मामला सामने आता है। गीड़ गांव का अरुण, जिसकी उम्र जो है महज 18 साल थी, कावड़ लेकर जो है वापसी आ रहा था। गांव के नज़दीक ही जो है एक हादसा हो जाता है, बीमार हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं और उस दौरान जो है चक्कर खाकर गिर जाता है। परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और उस दौरान जो उसकी दुखद मौत हो जाती है। कावड़ यात्रा लेकर जो है गांव के कुछ लोगों के साथ गया हुआ था, लेकिन गांव के ही नज़दीक पहुंचकर जो है अरुण को चक्कर आ जाते हैं, बीमार हो जाता है और उसके बाद जो है उसको अस्पताल लेकर आया जाता है तो वहाँ पर जो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। परिवार के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज शिवरात्रि का भी पर्व है, ऐसे में जो है तमाम कावड़ी जो हैं जल चढ़ाने के लिए जो है अलग अलग मंदिरों में जो है जाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और ऐसे में जो है एक बहुत ही दुखद मामला, महज 18 साल का अरुण जो कि कांवड़ लेकर जो है हरिद्वार से अपने गांव गीड़ के नज़दीक पहुंच चुका था, वहां पर जो है रास्ते में उसको चक्कर आ जाते हैं और उसके बाद जो उसको अस्पताल जब लेकर आया जाता है तो वहां पर जो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। परिवार के तमाम लोग जो हैं यहां पर पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं, परिवार से कुछ सदस्य मौजूद हैं। आप क्या लगते थे अरुण भाई? भाई है तो क्या हुआ था, क्या पता चला? भाई पता तो ये था कि जो है कल फोन पे बात हुई थी भाई के साथ, लगे पूछा भाई आप कहाँ हो, लगे कहने कि हम घूम थोड़ा यहाँ बैठे चाय लग रहे पीण, मैं चलो आप सीधे घर पे आ जाइए। फिर दोबारा जो इनके पास फोन वगैरह किया तो लगे कहन कि हम यहाँ अपनी नानी के पास करनाल आने लग रहे हैं, वहाँ पे क्या करो। फिर जैसे इनका यहाँ आते टाइम तबीयत खराब हुई है, तबीयत खराब हुए पीछे फिर इन्होंने यहाँ अपना अरपना हॉस्पिटल से दवाई वगैरह ली थी तो वहाँ पे भाई इनको घर पे छोड़ के चले गया। तो घर पे जो था तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन आ गई थी, जो यहाँ पे ले गए कल अपना चावला हॉस्पिटल में, यहाँ पे जाते ही तो यहाँ ट्रीटमेंट वगैरह जो हुआ लड़के का सारा कुछ के पीछे डॉक्टर वगैरह ले गए कि ये एक्सपायर हो गया है। तो हुआ क्या था, मतलब किस तरीके से बीमार पड़े? बीमार तो पेट में दर्द हुआ था इसके, पहले कभी कुछ था? नहीं पहले ऐसा कोई कुछ चांस नहीं, दौरान नहीं किसी दौरान भी नहीं। तो और कौन कौन गए थे? भाई था इसके साथ में, एक दो लड़के और थे। परिवार? हाँ जी परिवार से थे, सगे परिवार से। भाई है दो भाई थे, एक दो बहन आए हैं और। हाँ जी 18 साल उम्र नहीं, काम करा था जी, दिहाड़ी मजदूरी करा था। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि कांवड़ लेकर जो है करनाल पहुंच चुके थे, उससे पहले जो है बीमार पड़ गए थे, दवाई भी दिलाई गई थी, दवाई दिलवाकर जैसे ही जो है घर पहुंचते हैं और घर पे जो है उनको फिर से तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद जो है कल्पना चावला अस्पताल लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही जो है अरुण को मृत घोषित कर दिया जाता है। परिवार में मातम का माहौल है और आज जो है शिवरात्रि का भी पर्व है, ऐसे में जो है तमाम कांवड़ी जो है अलग अलग जगहों से पहुँच रहे हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से वापसी जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो है जल चढ़ाते हैं, जल अभिषेक करते हैं। ऐसे में जो है अरुण ने भी जो है आज जल अभिषेक करना था, लेकिन उससे पहले ही जो है ये एक बहुत ही दुखद घटना घट जाती है। परिवार पर जो है देख सकते हैं कि पूरा मातम का माहौल है, मातम परस जाता है, क्योंकि अरुण जिसकी उम्र जो है महज 18 साल थी, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है गया हुआ था जल चढ़ाने के लिए, जो है हरिद्वार से वापस आता। कुछ और परिवार से सदस्य, आप भी परिवार से ही हैं, क्या पता चला क्या हुआ? बहुत ही दुखद है। हाँ दुख तो है, जवान जाकर था, करने वाला कोई नहीं था घर में, वही था दिहाड़ी मजदूरी करता था, बाप उसका दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दो बहने हैं उसके, वे भी एक तो बहन तकड़ी हो रही है, सर्दी की हो रही है। बस आगे देखो क्या कर रहे हैं, बस यही पता लगे उस कहा भी दर्द होया पेट में उसके, दिखाया तो ले यहाँ मृत घोषित हो गया बस। तो पहले दवाई भी दिलवाई थी? हाँ पहले दवाई ली उसने वहाँ से, अपना हॉस्पिटल से ली उसने दवाई वहाँ से ली। लेकिन पहले कभी कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं था, ठीक ठाक था, कोई ऐसी बात नहीं थी, दिहाड़ी करता था बढ़िया। तो बिल्कुल अरुण 18 साल उसकी उम्र थी, पहले जो है कभी ऐसा कुछ शिकायत नहीं आई थी, लेकिन कांवड़ लेने के दौरान जो है उसके पेट में दर्द होता है, जैसे करनाल पहुंचता है करनाल के नज़दीक जो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, निजी अस्पताल में जो उसको दिखाया जाता है वहां से दवाई भी ली जाती है और उसके बाद वो जो है घर छोड़ देते हैं और उनके जो साथी हैं जो उसके भाई हैं वो अरुण को घर छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद जो है फिर से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो उसको जो है कल्पना चावला अस्पताल लेकर आया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। 18 साल उम्र थी, दिहाड़ी मजदूरी करता था, अपने पिता का जो है काम में हाथ बटाता था, क्योंकि परिवार जो है काफी बताया जा रहा है कि ठीक ठाक परिवार से है, उनके पिता जो थे वो भी दिहाड़ी मजदूरी करते थे, दो बहनें भी हैं जिनकी उम्र जो है इनमें से एक की शादी की भी हो रखी है। और उसके बाद देखते हैं फिलहाल एक बहुत ही दुखद घटना जो है पूरे परिवार पर परस जाता है, मातम परस जाता है और ऐसे में जो है अरुण जो 18 साल का था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कांवड़ यात्रा लेकर आ रहे 18 वर्षीय अरुण की जो है इस हादसे में मौत हो जाती है। बताया जा रहा है बीमार हो गया था, पेट में दर्द था, दवाई दिलाई जाती है और उसके बाद जो है उसको घर छोड़ दिया जाता है, लेकिन घर पर जो है आराम करते करते उसको फिर से जो है अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, उसको करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में लेकर आया जाता है, उस दौरान जो है उसकी मौत हो जाती है, दुखद मौत है। परिवार में जो है मातम पसरा हुआ है, जांच अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद मामला
मामला है, क्या पूरी जानकारी मिली? ये उम्र करीब 17 साल है, अरुण है लड़के का नाम, जिसके फादर का नाम धर्मपाल है, गांव गिड़ का रहने वाला है। हमें सूचना मिली थी कि इसकी तबीयत खराब होने के कारण कल्पना चावला लेके गए हैं, जहाँ पर इसकी मौत हो गई है। अभी घर वालों से बयान लिए जाने बकाया है, बयान लेकर जब इनके बयान होंगे और पोस्टमार्टम कराकर जैसी कार्रवाई होगी की जाएगी। तबीयत खराब हो गई थी? हाँ, अभी ये तो यही बता रहे हैं, अभी कुछ पेट में दर्द हुआ, दवाई वगैरह ली है कहीं से, और बाकी जैसे अभी डॉक्टर से बात करेंगे असल वो वजह मौत क्या है उसके लिए इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हाँ, बताया कि कांवड़ यात्रा गया हुआ था और उसके बाद सुबह आज अपना घर पर आ गया था। 17 साल उम्र बताई जा रही है। तो 17 साल उम्र है अरुण की, कांवड़ यात्रा लेकर जो है करनाल के नज़दीक पहुंच चुके थे, अपने घर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, उसको दवाई दिलाई जाती है, दवाई दिलवाने के बाद जो उसको घर पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अचानक से फिर से जो है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, और उसके बाद कल्पना चावला अस्पताल लेकर आते आते जो है यहाँ पर डॉक्टर उसको जो है मृत घोषित कर देते हैं। मुकुश तीजा, करनाल वेकी न्यूज़, करनाल।